वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है इफ़ यू आर ऑन ए वॉट और शिप। तो पिछले टॉपिक में हमने सुनामी, उसके फीचर्स, इसके साथ साथ उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग सुनामी, हमें क्या करना चाहिए, इन प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जाना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप बोट में हैं या शिप में हैं तो किस तरह से आपको कौन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ओशंस में अक्सर सुनामी का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए जब आप सी वाटर में हैं और सुनामी के आने की वार्निंग आपको मिल चुकी है तो आप कोशिश करें कि आप तट की तरफ ना आएँ, मीन्स सी एच की तरफ ना आएँ। सुनामी की वजह से पानी के स्तर में तेज़ी से बदलाव आ सकते हैं और इससे ऐसे खतरे पैदा हो सकते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सेकंड, यदि आपके पास सुनामी के आने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम है तो आपको बोट या शिप को गहरे पानी में ले जाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर बड़ी बंदरगाहें और पोर्ट एक पोर्ट अथॉरिटी के कंट्रोल में आते हैं और ये अथॉरिटीज़ एमरजेंसी सिचुएशन में आपके लिए आपकी जो हेल्प है वो कर सकती है। इन अथॉरिटी की हेल्प से आप ऐसी सिचुएशन में ले सकते हैं। हालांकि समालर पोर्ट और पोर्ट अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं आते हैं, और यदि आपको पता है कि यह सुनामी आने वाली है तो आपके पास इतना समय है कि आप अपनी नाव को पानी में ले जा सकते हैं, तो आपको ये ऑर्डरली मैनर में करना चाहिए। मेन जिस तरह से पोर्ट अथॉरिटीज़ या सिचुएशन के अकॉर्डिंग है उस हिसाब से करना चाहिए। छोटी नाव वाले अपनी नाव को छोड़कर खुद किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर ए सुनामी। आफ्टर सुनामी यू शुड मीन्स सुनामी के बाद हमें क्या करना चाहिए। रेडियो या टीवी पर न्यूज़ को कंटिन्यूसली सुनते रहें। सुनामी ने कई रोड्स, ब्रिज और दूसरी जगहों को डैमेज कर दिया होता है, इसलिए वहां जाना सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप वहां जाने से बचें। यदि आप घायल हैं तो फर्स्ट एड लें किसी भी जख्मी की हल करने से पहले, और यदि आप किसी को बचाने जा रहे हैं तो प्रोफेशनल को साथ में लेकर जाएँ और उचित साधन की मदद लें। मीन्स इसमें सही इक्विपमेंट्स की यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अक्सर हम देखते हैं कि फ्लड एरिया में जाते समय लोग खुद मौत का शिकार हो जाते हैं लोगों को बचाने के चक्कर में। ऐसे लोग जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि छोटे बच्चे, बूढ़े, अपंग, बड़े परिवार, ऐसे लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हमें अलग से प्लान करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो इफ़ेक्टेड एरिया है वहाँ पर जाने से बचें। आपकी प्रेजेंस से वहाँ पे बचाने के काम में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा आप बाढ़, दूषित पानी, टूटे रास्ते, लैंडस्लाइड, कीचड़, इससे प्रभावित हो सकते हैं। मीन्स ये चीज़ें का आपको सामना करना पड़ सकता है। टेलीफोन का प्रयोग इमरजेंसी सिचुएशन में करें। डिजास्टर सिचुएशन में टेलीफोन लाइन्स अक्सर ख़राब हो जाती हैं, तो इस सिचुएशन में इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी होता है ताकि कम्युनिकेशंस बना रहे। यदि इमारत के चारों ओर पानी है तो इससे दूर रहें। सुनामी में आई बाढ़ अब पानी नींव को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से इमारतें डूब जाती हैं। इमारतों और घरों में जाते समय सावधान रहें, सुनामी के पानी से ये पूरी तरह से बेकार हो सकते हैं, इसलिए हमें इनके अंदर जाने से पहले जांच कर लेना चाहिए। फुल पैंट और लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहनने चाहिए, साथ में बड़े जूते पहनने चाहिए ताकि किसी भी तरह की जो चोट है उससे बचा जा सके। इमारत में जाते समय बैटरी से चलने वाली फ्लैशलाइट यूज़ करें, मोमबत्ती का यूज़ ना करें, इससे आग लग सकती है। दीवारें, फर्श, दरवाज़ों, सीढ़ियों, खिड़कियों की जांच करें और देखें कि इनके टूटने का खतरा ना हो। नींव में पड़ी दरारों को जांचें और ये देखें कि ये दरारें किसी इमारत को नुकसान पहुँचा सकती हैं, और ये चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई दीवार जो इमारत जो है वो किसी भी टाइम के ऊपर गिर सकती है। आग लगने के खतरों के बारे में जानें। लीकिंग गैस लाइंस, बाढ़ से प्रभावित इलेक्ट्रिक सर्किट और गीले बिजली के उपकरण से आग लग सकती है। बाढ़ के बाद अक्सर आग लगने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। गैस के रिसाव को देखें। यदि आपको गैस की स्मेल आ रही है या कोई आवाज़ आती है तो खिड़कियों को खोल दें और जल्दी से बाहर निकल आएँ। मेन वाल्व का यूज़ करके गैस को बंद कर दें या कंपनी में फ़ोन करें। यदि आप गैस को बंद कर देते हैं तो दोबारा इसे मैकेनिक की हेल्प से ही ऑन करें।
इलेक्ट्रिकल सिस्टम के डैमेज को देखें। यदि आपको कोई स्पार्क या टूटी हुई तारें या आपको जलने की गंध आ रही हो तो एकदम से मेन स्विच को बंद कर दें, और यदि आपको पानी से होकर जाना पड़े तो किसी इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से ही ऐसा करें। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जांच करें और उनको सूखा करें उनको दोबारा चलाने से पहले। नेक्स्ट, सीवरेज की जांच करें और यदि ये डैमेज है तो टॉयलेट का यूज़ ना करें और उसके बाद किसी प्लम्बर को बुलाएं। यदि पीने वाले पानी की पाइप भी डैमेज है तो कंपनी में फ़ोन करिए और नल के पानी का यूज़ ना करिए। हीटर का यूज़ करके आप बर्फ़ में फ्रिज में पड़ी हुई बर्फ़ को पिघलाकर पानी का यूज़ कर सकते हैं। इसके पानी को मीन्स जो सीवेज सिस्टम में जो गंदा पानी है उसको निकालते समय मेन वाटर वाल्व को बंद कर दें। नल के पानी का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक लोकल हेल्थ अथॉरिटी इसके पीने की सलाह ना दें। जंगली जीव जैसे कि जहरीले सांप की जांच करें, क्योंकि ये अक्सर फ्लड वाटर के साथ बहकर इमारतों में आ जाते हैं। कचरे में देखने के लिए किसी डंडे का यूज़ करें। कमज़ोर प्लास्टर, कमज़ोर दीवारों की जांच करें, क्योंकि इनके गिरने का खतरा हो सकता है। इमारत को सुखाने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों को खोल दें। कीचड़ के सूखने से पहले इसको बाहर निकाल दें। तो इस तरह से हम इन प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ जो है आफ्टर सुनामी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से नेचर्स की जो फोर्सेस हैं उनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, और अगर हमें कुदरत के साथ जीना है तो हमें एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बना के रहना होगा। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।